हेलो, वेलकम टू परीक्षा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आफ्टर दिवाली यू मस्ट ऑल विल बी बूस्टेड मोर टू प्रिपेयर फॉर योर वेरियस एग्जाम। नमस्कार, परीक्षा में आपका स्वागत है और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप दिवाली के बाद और भी बूस्टेड होंगे अपने ऑनगोइंग एग्जाम और इन लाइन एग्जाम्स के लिए। एंड द टाइम नाउ इज़ टू क्रिटिकल एज वी आर एंडिंग रीचिंग टू द एंड ऑफ द ईयर एंड ऑल द एग्जाम वेरियस इंपॉर्टेंट एग्जाम आर इन क्यू। सो फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक सी जी पी डी डी एम एग्जाम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम इज वेन शुड वी एक्सपेक्ट एनटीए टू कंडक्ट आवर सी जी पी टी डी एम एग्जाम, मतलब सी जी पी टी डी एम एग्जाम कब हो सकता है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, लाइक आई प्रॉमिस्ड अर्लियर इन माई अर्लियर वीडियोज दैट आई विल कम अप विद सम स्ट्रॉन्ग होल्ड वीडियो विथ सम लाइक नॉट लाइक अदर्स जस्ट विद एक्सपेक्टेड डेट विथ सम प्रूफ विद ऑफ एक्सपेक्टेड डेट लाइक वेन शुड वी एक्सपेक्ट द एग्जाम टू बी कंडक्टेड। सो फॉर द सेम आई हैव केम अप विद अ वीडियो विथ सम लिस्ट ऑफ एग्जाम दैट आर इन क्यू एंड वेन शुड वी एक्सपेक्ट एनटीए टू कंडक्ट अवर एग्जाम, कि हम एनटीए से कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारा एग्जाम करवाने के लिए। सो आई हैव लाइक स्टडीड सम डेट एंड लाइक मेड अ लिस्ट एंड फॉर विद द हेल्प ऑफ दैट लिस्ट आई विल ट्राई टू टेल यू द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इसी डेट को एग्जाम हो जाएगा। आई विल ट्राई टू लाइक कंक्लूड वॉट कुड बी द अर्लियर डेट। अर्लियर डेट क्या हो सकती है, अर्लीस्ट डेट सी जी पी टी डी एम एग्जाम को करवाने के लिए। लाइक आई एम रीडिंग इन वेरियस आर्टिकल एज वेल कि हो सकता है सी जी पी टी डी एम का नोटिफिकेशन फिर से आए, पोस्ट में भी इंक्रीज्ड और द नेचर ऑफ पोस्ट कैन भी लाइक कन्वर्टेड। मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, नॉट वेरी लिटिल, लाइक दिस पोस्ट शुड बी कंडक्ट फ्रॉम परमानेंट टू कॉन्ट्रेक्चुअल, लाइक वी कांट से सर्टेनली, बट यस इन न्यूज इट इज देयर। बट डोंट वरी फॉर दैट, दिस नोटिफिकेशन विल ऑलवेज बी लाइक फॉर टेकिंग अप द स्टूडेंट्स इन परमानेंट पोजिशन एज दिस नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन आउट एंड स्टूडेंट्स हैव फिल्ड द फॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन को पहले ही जारी किया गया था और इस नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं होगा और स्टूडेंट अपने एग्जाम के साथ कंडक्ट कर सकते हैं। तो लॉ विदाउट गेटिंग डिलेड लेट्स ट्राई टू कंक्लूड वॉट कुड बी द एक्सपेक्टेड डेट फॉर एन टी ए टू कंडक्ट द एग्जाम। सो एज आई वॉज गोइंग थ्रू द डेट्स आई फाउंड दैट नवम्बर 19, लाइक नवम्बर 19 जो कि कल है, देर इज एग्जाम फॉर नाबार्ड। तो अब कल तो होने से रहा, लाइक पहले भी नहीं था, लेकिन यस आई एम कंक्लूडिंग विद द अर्लियर डेट्स लाइक ऑल द डेट्स। सो आई एम टेकिंग अप द डेट्स फ्रॉम टुमोरो। उसके बाद 27 नवंबर को हमारा उड़ीसा फायरमैन का एग्जाम है, उड़ीसा फायरमैन। आई हैव टेकन अप द एग्जाम्स विच हैव मच ओपनिंग्स लाइक लाइक गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट विल बी टेकिंग द एग्जाम। और हमें ये भी ध्यान रखना है, एन टी ए वॉन्ट टेक इन कंसिडर द स्मॉल एग्जाम्स और द एग्जाम्स ऑफ स्टेट लेवल ग्रुप सी पोस्ट। सो दे डेट्स फॉर दोज एग्जाम कैन बी लाइक कंक्लूड और कम इन पैरेलल विद द डेट्स फॉर दैट। सो वी डोंट हैव टू कंक्लूड दोज डेट्स, वी विल जस्ट लुक अप फॉर द डेट्स विच कॉन्ट बी द पॉसिबल डेट्स ड्यू टू द अदर एग्जाम विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। उसके बाद 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को हमारा एस एस सी जेई का एग्जाम है। तो एस एस सी जेई ऑल इंडिया से बच्चे दे रहे होंगे, तो ये एग्जाम भी सी जी पी टी डी एम की जो पॉपुलेशन है वो स्टूडेंट्स इसको भी दे रही होगी, तो ये डेट भी कंसिडर नहीं होगी। उसके बाद सबसे बड़ा जो एनटीए के ऊपर खुद का है कि 9 दिसंबर, दिसंबर 6 टू 22,
उनका खुद का यूजीसी नेट का एग्जाम है। एंड व्हेन दे कंडक्ट दिस नेट एग्जाम दे डोंट कंडक्ट एनी अदर एग्जाम इन पैरेलल बिकॉज दिस एग्जाम ऑलरेडी लाइक न्यूमरस नंबर ऑफ स्टूडेंट गिव दिस एग्जाम। उसके बाद जो आता है December 9 हमारा बीपीएससी है, इसमें भी बच्चे एग्जाम देंगे तो ये डेट भी कंसिडर नहीं की जा सकती। उसके बाद 17 से जो 24 दिसंबर की डेट है, December 17 से 24, इसमें हमारा EMRS का एग्जाम हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, ये इसमें चेंज भी हो सकता है टेंटेटिव। तो इसमें चेंज भी, तो EMRS का एग्जाम है तो इसमें भी ये एग्जाम नहीं हो सकता। फिर आ जाते हैं December 17, सॉरी December 30, नॉट 17, वो हमने कवर कर लिया। December 30 से December 31 ये हमारा IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है, इसमें भी CGPDDM देने वाले बहुत से स्टूडेंट इसी में भी अपियर होंगे। तो ये भी नहीं कराएगा NTA क्योंकि ये भी एक अच्छे लेवल का एग्जाम है और ऑल इंडिया कंडक्ट किया जाएगा, तो एग्जाम सेंटर इसमें भी बुक नहीं होंगे। फिर आते हैं जनवरी पे, मैंने जनवरी का एक ही डेट लिया है जो है जनवरी में SBI PO Mains। तो SBI PO Mains जो इसकी भी डेट्स होंगी, उसके साथ भी CGPDDM NTA क्लैश नहीं करेगा क्योंकि इसमें भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जो CGPDDM दे रहे होंगे जा सकते हैं, लाइक होंगे ही आई एम श्योर। सो दीज आर लाइक माई प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन अमंग दैट कि ये डेट्स पे तो नहीं ही होगा एग्जाम। सो इट कंक्लूड्स लाइक कि जो हमारा जनवरी का सेकेंड वीक है, वी कैन एक्सपेक्ट CGPDDM टू कंडक्ट ऑन दैट डेट, CGPDDM, बिकॉज थोड़ा सा पहले से नोटिफिकेशन भी देना जरूरी होगा, लाइक दे हैव टू गिव नोटिफिकेशन एटलीस्ट 15 डेज बिफोर। एंड जनवरी सेकेंड वीक इज द मोस्ट परफेक्ट अर्लीस्ट डेट इज पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इसी दिन एग्जाम हो जाएगा। सो दिस इज द अर्लीस्ट डेट, लाइक इफ दे वॉन्ट टू कंडक्ट द एग्जाम दिस विल बी द ओनली अवेलेबल अर्लीस्ट डेट। एंड सेकेंड वीक ऑफ सेकेंड फेबररी 2024 से JEE के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो उसमें भी NTA को प्रॉब्लम हो सकता है। बट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी लाइक दे हैव सम पीसफुल टाइम एट दैट, लाइक दे कैन कंडक्ट द एग्जाम इन दैट फेस। सो द ओनली कंक्लूजन दैट वी टेक इट फ्रॉम हेयर इज जैन से पहले एग्जाम नहीं होना है, जनवरी से पहले तो हो ही नहीं सकता एग्जाम बिकॉज ऑफ नो अवेलेबल डेट्स। और उसके बाद दिस डेट कैन बी लाइक हम बियॉन्ड, वी कैन गो बियॉन्ड जनवरी बट वी कैन नॉट गेट द डेट्स अर्लियर देन जनवरी सेकेंड वीक। सो जस्ट बी लाइक टेक आउट टाइम, प्रिपेयर रिवाइज विद योर अर्लियर कॉन्सेप्ट एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू सी दीज ऑल द एग्जाम्स एंड द पेपर दैट आर NTA इज कंडक्टिंग, वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर गिविंग। दिस ऑल विल बी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो कम अप विद NTA क्वेश्चन सीरीज। हम जो बाकी के एग्जाम होंगे उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सीरीज हम लेके आएंगे। और उसके साथ ही आपके लिए एक और वीडियो हम लाएंगे, वी आर इन टॉक विद अ एक्स पेटेंट एग्जामिनर लाइक अ कैंडिडेट हु क्लियर द एग्जाम एंड वर्कड एज अ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट फॉर 2-3 मंथ्स बिफोर ही लाइक रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज ऑफ ही गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स। सो यू विल कम अप विद दैट। अंटिल देन थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दीज आर वेरियस चैनल्स एंड पेजेस ऑफ आर यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक जॉइन देम, लाइक देम एंड गेट द कंटेंट फ्रॉम देयर एज वेल। थैंक यू।